भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल आज मथुरा पहुंचे और सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार ने किसानों युवाओं के साथ साथ जनता से किए गए सभी वायदों को पूरा किया है। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राम मंदिर बीजेपी की ही सरकार में बनेगा और बीजेपी ही राम मंदिर बनवाने के लिए कटिबद्ध है। वहीं उन्होंने अखिलेश द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री रहते वो सरकार नहीं चला पाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते पार्टी नहीं चला पा रहे, पहले वे अपने गिरेबा में झांकें। बीजेपी के आइटम गर्ल आजम खां के सवाल पर कहा कि उनके बयानों ने खुद उनको आइटम गर्ल बनाया है। उन्होंने कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि हर मोर्चे पर उनकी सरकार सफल है, पिछली सरकार और उनकी सरकार में अंतर ये है कि पिछली सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था जबकि उनकी सरकार में अपराधियों पर कार्यवाही होती है। और राम मंदिर रहेगा उस विश्वास का कारण है कि 1949 से लेकर 30 सितंबर 2010 के जितने भी अदालत के फैसले आए हैं, चाहे वो मूर्ति के प्रकटीकरण का हो, शिलान्यास का हो, या वर्तमान में अस्थाई मंदिर और वहाँ पूजा अर्चना का जो मामला हो, उसमें अदालत लगातार मंदिर के पक्ष में उसके फैसले आए हैं। और जो 30 सितंबर 2010 को फैसला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ का था, उसमें स्पष्ट है कि रामलला विराजमान जहां है वो मंदिर है, ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने माना है। राम जन्म मंदिर के मेन पुजारी हैं, उन्होंने तो आरोप लगाया है बयान देकर के कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय हम याद आते हैं। भाई देखिए, हमारे लिए राम मंदिर आस्था का विषय है। और मैं एक चीज, मेरा आपसे सवाल है, इस देश में अगर चुनाव को आधार बनाए तो ऐसा कौन सा एक साल का स्लॉट है जिसमें चुनाव नहीं होते? 2 साल बाद विधानसभा के होंगे, विधान परिषद के होते हैं, नगर पालिका के होते हैं। तो हमारे देश में चुनाव की पद्धति ऐसी है कि हर 6 महीने पे कोई ना कोई चुनाव है। तो क्या हम राम मंदिर की बात न करें? हम निश्चित रूप से, हम प्रतिबद्ध हैं वहाँ राम मंदिर बने और बीजेपी राम मंदिर बनाएगी, स्पष्ट है। नहीं, ये सवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के है, बाकी राज्यों में तो चाहे जो कुछ होता रहे। नहीं, हमको लगता है कि चुनाव को अगर हम देखेंगे तो साल भर से ये चर्चा होने लगी कि लोकसभा का चुनाव है और इस नाते से बयान आते हैं, विधानसभा के साल भर पहले होने लगेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में 4 करोड़ जनता भाग लेती है, यानी बहुत से राज्य ऐसे जहाँ जनसंख्या 4 करोड़ है और स्थानीय निकाय के चुनाव में 4 करोड़ जनसंख्या भाग लेती है। तो हमारा देखिए, नटसल में ये कहना कि राम मंदिर के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी सरकार का ही प्रयास है कि डे टू डे हियरिंग शुरू हो पाई है। देखिए, श्री अखिलेश यादव उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिस दल के ऊपर ये आरोप है, जिस दल ने 1992 में अयोध्या में राम भक्तों की हत्याएं कराई, और अखिलेश जी उस सरकार को चला चुके हैं जिनके समय में 5-5 आयोगों के चेयरमैन भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हुए हैं। 2016 के दिसंबर से लेकर मार्च 2017 के बीच में उनके परिवार में जिस तरह की घटनाएं घटी, जिस तरह से जनधन के बंटवारे को लेके विभिन्न प्रकार की चीज़ें आई, आप लोग को भी पता है। तो सरकार रहते, मुख्यमंत्री रहते श्री अखिलेश यादव जी सरकार नहीं चला पाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते अपनी पार्टी नहीं चला पा रहे, उनको अपने गिरेबाह में झांकना चाहिए, पहले अपने दल को ठीक करें। और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की आइटम गर्ल ऐसी है जी, सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने बयान दिया है कि बीजेपी जो राजनीति है आइटम गर्ल जैसी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमको राजनीति का आइटम गर्ल मानती है। अगर हम आजम खान के 5 बयानों को आपको याद दिलाएं, उन्होंने कहा कि नेताजी का जन्मदिन हम दाऊद और अबू सलेम के पैसे से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि कारगिल में मुसलमानों ने झंडे फहराए थे, हिंदुओं ने नहीं फहराए थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं प्रजनन की मशीन है। ये बयान आजम खान जी जैसे नेता को अपने गिरेबाह में झांकना चाहिए, अपनी वाड़ी को ठीक करना चाहिए। और जब इस तरह के हल्के और इस तरह के बयान अगर वो देंगे तो उनकी स्थिति जो है वो उन्होंने स्वयं बनाई है। हम राम मंदिर पे भी बात करते हैं और हम गरीबों की चिंता अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह से नहीं की। आप बताइए कि अगर आज़ादी के इतने दिनों बाद अगर हमको गरीबों की छत की चिंता किसी को हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हुई है। गरीब भी
5 लाख रुपए तक का इलाज करा पाए, महंगा इलाज करा पाए, अगर इसकी चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। गरीब के घर में भी अगर एलपीजी कनेक्शन पहुंच सके इसकी चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने ही की। बिजली का कनेक्शन गरीब की झोपड़ी में भी इसकी भी चिंता कर की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। तो जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई सबके ऊपर FIR हुई है और सबके ऊपर कार्रवाई हुई है और आगे भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश विरोधी नारे लगाने की किसी को अनुमति नहीं है। जो भी लगाएगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी और जो अधिकारी उसमें शिथिलता बरतेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पहले खुशी ग्राम में पाकिस्तान जिंदाबाद आपके माध्यम से विषय संज्ञान में आया, निश्चित रूप से बहराइच से विषय संज्ञान में आया था, उस पर कार्रवाई हुई है। आपके माध्यम से आया उस पर भी कार्रवाई होगी। क्राइम फ्री करप्शन फ्री नारे के साथ हम उत्तर प्रदेश में आए थे और हर मोर्चे पे हमारी सरकार काम कर रही है जिससे क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश हो। हमारी सरकार और पिछली सरकारों में अंतर यह है कि उस समय अपराधियों को संरक्षण देते थे। मथुरा का जवाहर बाग उसका एग्जाम्पल है कि एडिशनल SP और दरोगा की मृत्यु हुई, हत्या हुई और उस समय सरकार का क्या दृष्टिकोण था। हमारी सरकार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं है, हम अपराधियों